हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम द बॉय विद द मिराकल रिंग मांगा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बहुत ही बड़ा एक यूनिवर्सिटी को देख पाते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद हम मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जो बोलता है, ये यूनिवर्सिटी तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मेरे गाँव के स्कूल के साथ तो इस यूनिवर्सिटी का कंपेयर ही नहीं करा जा सकता, ये यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हमें मेन कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करा जाता है। इसका नाम लिन यांग होता है और ये 19 साल का लड़का होता है और इसका स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गया है और ये कुछ ही दिन पहले इस यूनिवर्सिटी में भर्ती हुआ है। और इसके फैमिली में सभी किसान है और इसके फैमिली में यही पहला इंसान है जो कि कॉलेज जाएगा, तो इसकी वजह से लिन यांग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। इसके बाद लिन यांग बोलता है, जैसे कि मैंने सोचा था, इस कॉलेज में सभी लड़के से लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद लिन यांग कुछ सुंदर लड़कों को देखकर बोलता है, मैं नहीं कर सकता, मैं हार गया हूँ, शायद सारे सुंदर लड़कियाँ इन्हीं के ही होंगे। इसके बाद लिन यांग बोलता है कि अच्छी बात यह है कि मैं पहले से प्रिपेयर होकर आया हूँ। और हम उसकी उंगली पर एक अंगूठी देख पाते हैं और लिन यांग बोलता है, रास्ते के एक दुकान से मैं इस अंगूठी को 8 युआन से खरीदा हूँ और मैं एकदम श्योर हूँ ये अंगूठी मुझे और भी अच्छा दिखा रही है और मुझे एक पॉजिटिव वाइब भी आ रहा है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि लिन यांग को पीछे से कोई बुलाता है और लिन यांग जब पीछे घूरता है तो उसको बहुत ही एक सुंदर सी लड़की दिखती है और फिर वो लड़की बोलती है, मेरा नाम लिन लेले है और मैं इस यूनिवर्सिटी की म्यूजिक मेजर हूँ। और लिन यांग बोलता है, हाय मेरा नाम लिन यांग है। और लिन यांग मन मन में बहुत ही ज्यादा खुश भी होता है। इसके बाद लिन यांग बोलता है, ये लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, शायद अंगूठी काम कर रही है। इसके बाद लिन लेले बोलती है कि कैंपस में एक पार्टी होने वाला है, क्या तुम आओगे, क्योंकि हम एक ही होम टाउन से है तो क्या तुम आओगे और उस पार्टी में बहुत सारे लोग भी आएंगे। लिन यांग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है, हाँ श्योर मैं जाऊंगा, पार्टी कहाँ पर होगा। लिन लेली बोलती है कि ठीक है तो हम बिल्डिंग में मिलेंगे। और लिन यांग मन मन में बोलता है, वो लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है। इसके बाद लिन यांग बोलता है कि अच्छा होता काश वो मेरी गर्लफ्रेंड होती। इसके बाद लिन यांग को उसके सामने एक परछाई दिखता है। इसके बाद लिन यांग जब पीछे घूमता है उसको पीछे एक बहुत ही बड़ा बॉडी बिल्डर सा एक आदमी दिखता है और वो बॉडी बिल्डर सा आदमी बोलता है कि चलो वहाँ जाकर बात करते हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वो बॉडी बिल्डर सा आदमी लिन यांग को एक खाली जगह ले जा रहा है। इसके बाद लिन यांग वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर तो एक गैंग खड़ा हुआ है और उस गैंग का लीडर लिन यांग को देखकर बोलता है, ओ तो ये है। इसके बाद उस गैंग का लीडर लिन यांग से पूछता है, अभी ये सब क्या हो रहा था। लिन यांग बोलता है, ओ लड़की और मेरा होम टाउन एक जगह है तो हम थोड़ी देर बात कर रहे थे। इसके बाद हम देख पाते हैं उस गैंग का लीडर लिन यांग को एक जोरदार मुक्का मारता है और लिन यांग झाड़ियों पर जाकर गिर जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं उस गैंग का लीडर लिन यांग को कॉलर पकड़ता है और बोलता है, तुम्हें पता है वो लड़की किसका है। इसके बाद गैंग का लीडर बोलता है, उसके ऊपर आग उठाकर भी मत देखना। इसके बाद लिन यांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस गैंग के लीडर को बोलता है, तेरी ऐसी की तैसी बोलकर लिन यांग एक जोरदार मुक्का मारता है और वो मुक्का बहुत ही जोरदार पड़ता है और गैंग का लीडर बोलता है, आ दर्द हो रहा है। और इसके बाद हम देख पाते हैं उस गैंग के बाकी लोग लिन यांग के पास आ जाते हैं और लिन यांग को जमीन पे पटक कर मारते हैं, बहुत ही ज्यादा मारते हैं। और ये सब कुछ दूर से एक बंदा देख लेता है और बोलता है, रुक जाओ रुक जाओ। इसके बाद गैंग का लीडर बोलता है, किसी ने हमें देख लिया है, चलो भागते हैं। तभी वो अच्छा आदमी लिन यांग के पास आ जाता है और बोलता है, तुम ठीक हो बच्चे, वो लोग कौन से कॉलेज से थे। लिन यांग बोलता है, मुझे पता नहीं लेकिन थैंक यू सर मुझे बचाने के लिए। इसके बाद सर बोलते हैं, मुझे लगता है वो लड़के स्पोर्ट्स मेजर होंगे, मैं कल इसके बारे में किसी से बात करता हूँ, ऐसा कांड सहा नहीं जा सकता। इसके बाद हम देख पाते हैं सर कागज पर कुछ लिखते हैं और सर उस कागज को लिन यांग को देते हैं और बोलते हैं, इस कागज को लेकर कैंपस के हॉस्पिटल पर जाओ, वो तुमसे पैसे नहीं लेंगे। इसके बाद हम उस कागज पर सर का नाम देख पाते हैं जो कि होता है मिस्टर जियांग डेन, शायद लिन यांग जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो उसी यूनिवर्सिटी के सर होंगे। इसके बाद लिन यांग वहाँ से थैंक यू बोलकर चला जाता है। लिन यांग के शरीर से अंदर से भी खून आ रहा है और लिन यांग बोलता है, ए दर्द बहुत ही ज्यादा है। और हम देख पाते हैं लिन यांग के नाक से भी खून आ रहा है और लिन यांग बोलता है, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा बहुत ही जल्द। और इसके बाद हम देख पाते हैं लिन यांग के खून उसकी अंगूठी पर लग जाता है और तभी उस अंगूठी से बहुत ही ज्यादा आवाज आता है और वो बहुत ही ज्यादा चमकता है और इसको देख कर लिन यांग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देख पाते हैं लिन यांग के शरीर पर जो घाव था वो धीरे धीरे भर जाता है और वो एकदम ठीक हो जाता है। और लिन यांग बोलता है, मेरे
नाक से भी खून आना बंद हो गया है और लिनियांग बहुत ही ज्यादा हैरान भी हो जाता है। और यही पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और अगर आप एपिसोड पार्ट 2 देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में रखा बेल आइकन भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी एपिसोड 2 डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आकर देख पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।